Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think all the students have been connected with me via Zoom. So I welcome to you all of my students regarding the first online class or online meeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. क्योंकि अभी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कनेक्शन का भी इशू हो, बहुत सारों को आवाज में क्लैरिटी भी ना आ रही हो, लेकिन मैं इसके लिए मैंने एक दूसरा तरीका ये सोच लिया है कि जितने भी हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी क्लास जो चल रही है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो जो स्टूडेंट जो कनेक्शन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमें जान नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसी में ये पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ अपलोड कर दूंगा और फिर आप इजीली वहां से भी आप अपनी क्लास वगैरह को, उस मीटिंग को, उसकी चीजों को आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। दो तीन चार चीजें मेरे जहन में है कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और पहले मुझे थोड़ा सा आप लोग की तरफ से ये श्योरिटी हो कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। खालिद, आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली? टेक अतम लाइक दैट, आर यू ओके विद माई वॉइस? अख्तर जुमान, कवल नफीस, तलत नूर, नोरीन, मुनीजा, सुम्बुल हयात, आर यू ओके विद मी? ओके, यस सर। ओके, तो पहली बात यह है कि जैसी यूनिवर्सिटीज की तरफ से, ये खासकर इसी की तरफ से जब ऑनलाइन क्लासेस की तरह का क्लासेस का कहा गया, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं कुछ YouTube से कुछ रिलेवेंट लेक्चर्स को मैं अपलोड करूं ताकि आप उसको सुनिए और उससे अपना आप क्या नाम है वहाँ मैं साथ साथ ये जो कुछ और स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको भी कनेक्ट कर रहा हूं। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ में हेजिटेशन महसूस हो, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग आई एम ऑल्सो कीपिंग आई ऑन द स्टूडेंट्स देयर, दोस हु आर एंटरिंग इन टू द इन आवर क्लास। तो इसी की तरफ से हमें कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप समझाया करें लर्निंग वाया ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए से। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं यूट्यूब से कुछ चैनल कुछ लेक्चर जो है वो अपलोड करूं। आई ट्राइड माय बेस्ट ऑन दैट, लेकिन स्टूडेंट्स की फीडबैक लेने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि स्टूडेंट्स हैं कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही है इस चीज़ में, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं नहीं चाहता कि जस्ट फॉर्मेलिटी हो बस, ठीक है मेरी तरफ से तो एक लाइबिलिटी थी, एक फरीजा था मेरे ऊपर, वो मैंने पूरा कर लिया और उसको। आप जरा अपने म्यूट कर दे प्लीज। जी सर, म्यूट योर, बल्कि मैं सबको क्या करता हूँ खुद से म्यूट कर लेता हूँ, अपना माइक जरा म्यूट करें ताकि आपकी आवाज डिस्टर्ब ना करें। ठीक हो गया। तो शुरू से मेरी आदत है कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी हम पढ़ें वो प्रॉपरली हो, वो समझे। तो इसलिए मैंने दोबारा आप लोगों को बताया, मैंने कहा जूम के ऊपर आ जाएंगे, फिर इस तरह एक कंसल्टेशन भी बनेगी, आप देख सकेंगे, मैं आप लोगों को देख सकूंगा और फिर बात करने में भी आसानी होगी। आई थिंक जूम इज बेटर देन ये कि हम यूट्यूब से किसी भी रेलेवेंट लेक्चर्स को उठाएं और वहाँ अपलोड करें। ठीक है, ओके। और दूसरी बात यह कि जो स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास से मिस हो गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन जो रिलेवेंट जो टॉपिक्स असाइन थे टू स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आप लोग खुद से बनाएं। अभी आप मुझे ईमेल करें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको ईमेल नहीं किया मुझे, तो ये एक मसला सब फेस कर रहे हैं और सबको वो एक्यूरेसी या जिसको कह सकते हैं कि वो जो मैं चाहता हूँ कि
इस तरह हम उसको लेकर चलें, वो चीज़ नहीं बन पा रही थी। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि आप लोग अपने घरों में, हम सब क्वारंटीन है, अपने घरों में है, लॉकडाउन है, बहुत से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ रिसर्च मटेरियल की फरहमी उनके लिए मुमकिन नहीं है, लाइब्रेरी का विजिट नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि हम इस तरीके से जूम के जरिए से ऑनलाइन हुआ करेंगे और डिफरेंट चीज़ें हम शेयर कर सकें, ठीक है। और जिनको रिसर्च इशू में पेपर्स के हवाले से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट में आप मैं 10-15 मिनट पहले टाइम ले लेंगे तो हम जूम के जरिए से 1-to-1 भी हम बात कर सकते हैं, क्लास में भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे सामने मेरे जहन में गुजारिश आती तो मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँगा। एक छोटी चीज जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि अभी हमारे बहुत सारे घरों के अंदर पेरेंट्स ने भी इजाजत दी हुई है किड्स को कि वो इंटरनेट को यूज करें, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों की और एक्टिविटी तो रही नहीं, बाहर वो जा नहीं सकते, क्लस स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज क्लोज रहे, तो लिहाजा पेरेंट्स ने अपने किड्स को ओपन रखा हुआ है। तो चूंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप किड्स को आप बिल्कुल ओपन कर देते हो, और इसी में हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि ये जो टेररिस्ट जो तंजीमें हैं या जो वायलेंट किस्म के, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना कि शर्मसंद अनासर है, ये उसी तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हमारे किड्स को वो जो है ना वो स्नैच करते हैं, उनके आते हैं, फिर उनको, लिहाजा फिर आप सबको आपको भी ख्याल रखना होगा कि आप खुद जब भी आप इंटरनेट को यूज करें तो डिफरेंट किस्म के ऑफर्स आपको आ रहे होंगे, मुख्तलिफ चीजें आपके सामने आ रही होंगी, तो लिहाजा आपने उन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज किस कदर ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स को पता होना चाहिए, अननोन फ्रेंडशिप्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, रिलेशंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीजें, क्योंकि आमतौर पर लास्ट टाइम ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे किड्स ने, हमारे बच्चों ने, बल्कि हम सब ने स्टूडेंट्स ने उसको फेस किया है। तो आप बहुत सारे, चूंकि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो मेच्योर हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के हवाले से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको थोड़ी सी इस हवाले से परेशानी है। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑन दीज थिंग्स, कि आप लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें ताकि किसी को इस किस्म की कोई अगर कोई शिकायत हो तो आप अपने उनको कंसर्न जो लोग हैं उनको आप बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं, और वरना फिर हमारे पास जो इदारे हैं उनको आप इस हवाले से बता सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि वो मैं आपके सामने रखूँ, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है सर पे है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अगर पॉसिबल हो, लास्ट टाइम भी इस तरीके से हमारे एक फैकल्टी मेम्बर ने रोजाना के हिसाब से इन्हें रोजाना के हिसाब से कुरानी तफसीर जो है वो शेयर करते थे, और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि आप इन जो शेयर्ड जो रोजाना की जो तफसीर है, जो समरी आफ्ता पारा जिसको हम कह सकते हैं कि समरी आफ्ता पारा, तो क्यों ना हम एक टाइम महसूस करें रमजानुल मुबारक में, अगर मुमकिन हो, इट इज अभी आपसे मैं सजेशन लूंगा तो आप उसमें हमें बताएंगे कि क्या ये मुमकिन होगा कि हम क्या नाम है रमजानुल मुबारक के अंदर रोजाना के हिसाब से एक एक पारा हम से आधा घंटा हम बैठा करें और एक एक पारे की पूरी समरी हम रखें, मतलब हर स्टूडेंट अपने लिए एक दो आयात का या फिर जो मेन जिस पारे के अंदर वाकयात है उनको शेयर करें। तो ये एक चीज मेरे जहन में थी कि इस पे भी आप स्टूडेंट की सजेशन मैं ले लूं। तो आई थिंक नक्तफी बिहाज अल कदर, मेरी तरफ से ये 2-3-4 बातें थी। अभी आप स्टूडेंट सब फ्री हैं, आप अपने साथ मेरे साथ कोई भी चीज आप शेयर करना चाहें, कोई सजेशन है आपके जहन में तो आप दे सकते हैं। जी सावेज सर, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जो हमारा जो ये सेमेस्टर है ये सर
फर्स्ट जून से सर जब शुरू होगा तो सर ये रिज्यूम होगा या सर ये हमारे लिए न्यू सेमेस्टर होगा? देखें बेटा, इसके लिए ऐसा है कि आज हमारी सुबह भी मीटिंग हुई है, तो वो हम एक तरफ तो नोटिफिकेशन में तो ये है कि इसको एडवांस समर वेकेशन कंसीडर किया जाए, जो हम वेकेशन के ऊपर चल रहे हैं कि जो छुट्टियां हैं जो हम, ये एडवांस समर वेकेशन कंसीडर होंगे। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ से किसी की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस का भी कहा जा रहा है, तो देट इज लिटिल बिट कंफ्यूजन, तो वो है अपनी जगह पर। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि अगर ये एडवांस समर वेकेशंस हैं तो फिर तो ऑनलाइन क्लासेस की भी जरूरत कोई नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लेने की भी जरूरत कोई नहीं है, तो फिर तो आप हम क्या नाम है छुट्टियां एंजॉय करें, और फिर जब ये कम जून से ये क्लासेस रिज्यूम होंगी तो फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये दूसरी तरफ ये जो बाज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और एचएससी की तरफ से जब ऑनलाइन क्लासेस का कहा जा रहा है, तो अगर ये डिसीजन वो मैनेजमेंट ले लें कि नहीं जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने लिए तो इसी में आपकी टेस्टिंग हो, तो टाइम को सेव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस हो भी जाएं तो ये हमारे लिए एक बोनस हो जाएगा, आगे हम 1 जून से रिज्यूम कर लेंगे। तो बहरहाल फिलहाल तो ये क्लियर नहीं है, पर हम क्लियर करेंगे तो आपके सामने हम रख देंगे इस बात, ठीक हो गया जी? जी सर जी। एनीबॉडी एल्स? आदिलजान आप अपना वो आपका माइक म्यूट है, आप इसको अनम्यूट कर दें। अब बात करें सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी अभी आ मेरी आवाज आ। अच्छा जी जी जी। सर मैं ये कहना चाहता था कि अगर इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो कम से कम टाइम फ्रेम होना चाहिए ताकि उस वक्त तक हमारे मोबाइल भी चार्ज हों और नेट एमबी का भी हम बंदोबस्त करें, तो पता होना चाहिए सबको ना उसी टाइम के लिए अपने आप को खुद को तैयार करें इसके लिए। बेटा ऐसा है कि फिलहाल तो मेरी तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि या हमारी इस क्लास के अंदर मैंने आपको एक हमारी टेस्टिंग भी थी, और जब प्रॉपरली हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दिया करूंगा। अगर रमज़ान भी है तो आप लोग भी सजेस्ट करें कि कौन सा टाइम सही रहेगा और जिसमें आप लोग सब फ्री भी हों और आपके आराम का टाइम भी ना हो और आपका किसी और का भी